नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट्सएप की वो खास ट्रिक जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ पहले ही कि अगर आपके फ़ोन पर यानी आपके व्हाट्सएप पर किसी ने कोई मैसेज किया है और वो मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया है तो दोस्तों घबराइएगा मत, क्योंकि हम उस मैसेज को वापस देख सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो का लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। तो दोस्तों आइए बताती हूँ आपको कि आप किस तरह उस मैसेज को देख सकते हैं और किस तरह आप ये देख सकते हो कि आपका मैसेज आपको कहाँ पे देखने मिल रहा है, कौन सी एप्लीकेशन देखने मिल रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, हम वैसे ही आपको एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले चले जाते हैं यहाँ पे देखिएगा यूट्यूब में, और ये हमारा चैनल है। तो आपसे निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ वो हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करें और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपके मन में जो भी विचार है जैसा भी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा वेरी नाइस वीडियो, तो दोस्तों इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इससे क्या होता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि हम आपके लिए कितनी अच्छी वीडियो बना सकते हैं, कितनी अच्छी ट्रिक ला सकते हैं। दोस्तों वापस चलते हैं और अब है हमारा मेन मकसद। तो दोस्तों हम प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ देखिएगा हम एक ऐप दिख रहा होगा आपको, रीड डिलीटेड मैसेज पोर्टल। तो दोस्तों हम इसे ओपन कर लेंगे, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फोन। दोस्तों हमने इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ था और आप भी इसे अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अब देखिए दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ऑनलाइन नेस्ट करेंगे। ये नेस्ट कर दिया है दोस्तों और यहाँ पे भी इसे नेस्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन एसएस दिखा आ रहा है, इसे मास्ट मैसेज पोर्टल में भी ओके कर देंगे और यहाँ पे इसे अलाउ कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से बैक चले जाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी हम एक बार फिर नेस्ट करेंगे। अब आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पोर्टलेशन ऐप इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, इसे हम यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे होगा मैसेज पोर्टल आ रहा है, यहाँ पे भी हम नेस्ट कर देंगे और यहाँ पे एक बार और मांग रहा है, यहाँ पे मैसेज पोर्टल में रनिंग मांग रहा था, यहाँ पे भी हम ओके करेंगे और इसे अलाउ कर देंगे। तो दोस्तों हम पीछे जाते हैं, बैक जाते हैं, यहाँ पे हमारा ये अलाउ का मैसेज मांग रहा था, इसे अलाउ कर देंगे और आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर लोडिंग ऐप लिस्ट हो रहा है। दोस्तों सोच लीजिए कि अब आपकी एप्लीकेशन काम करने लगी है। अब हम बैक जाएंगे और ये हमारे मैसेज है, हम उसमें चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमने एप्लीकेशन जो थी हमने उसकी सारी जानकारी फुल फॉर्म भर दिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम व्हाट्सएप में जाते हैं और यहाँ देखते हैं दोस्तों कि एक नए नंबर से मुझे 7 मैसेज आए हैं और इसमें से ये मैसेज भी उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। अब आप यहाँ ओपन करके देखती हूँ तो दोस्तों यहाँ से सारे के सारे मैसेज 7 के 7 मैसेज डिलीट हो चुके हैं। अब मैं सोचती हूँ कि मैं मैसेज कैसे देखूँ, पता नहीं क्या लिखा होगा और ये कौन है, मैं इनको जानती भी नहीं हूँ। तो दोस्तों हम इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ से वापस चले जाएंगे और दोस्तों जो हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी हम यहाँ जाते हैं और इसे देख लेंगे। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे वो जो नया नंबर था हम उससे मैसेज चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों उन्होंने मुझे लिखा था, हेलो कैसे हो, हाउ आर यू फैमिली, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, व्हाट इज योर नेम, आर यू बिजी, और उन्होंने ये मैसेज करके सारे डिलीट कर दिए हैं। दोस्तों अगर ये एप्लीकेशन आपके पास होगी तो आप भी अपने मैसेज जो मैसेज आपके पास डिलीट फॉर एवरीवन हो चुके हैं वो आप यहाँ देख लेंगे। और दोस्तों देखिए व्हाट्सएप में ये मैसेज दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये उस एप्लीकेशन में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ से सारे के सारे मैसेज डिलीट हैं और आप चिंतित हो जाएंगे कि हमारे पास जो मैसेज आया था पता नहीं कौन था, क्या लिखा था, क्या लिखा होगा। ये बात आपके मैसेज में आपके फ्रेंड भी कर सकते हैं, आपका कोई पर्सनल व्यक्ति है वो भी आपका मैसेज कर देंगे और आप शायद जवाब नहीं दे पाएंगे तो उन्हें लगेगा शायद बिजी है और वो ना गुस्से मैसेज डिलीट कर देंगे, फिर आप शाम तक सोचते रहो यार पता नहीं क्या लिखा था और अब जवाब भी नहीं दे रहे। तो दोस्तों उस चीज से बचने के लिए आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा और आप इसमें देख सकते हो कि आपके फ्रेंड ने या आपके रिलेशनशिप ने आपके लिए क्या लिखा था। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन हमने आपके लिए स्पेशल डाउनलोड की थी और आप तक ये जानकारी पहुंचानी बहुत जरूरी थी। तो दोस्तों प्लीज कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।